नमस्ते दोस्तों। अक्सर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने का जोर रहता है और इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बच्चों और शिक्षकों के मन में तनाव भी रहता है। मिस्टर मैडम ने सातवीं कक्षा के बच्चों को जब से टैबू गतिविधि से परिचय करवाया, तब से पढ़ी गई अवधारणाओं को गहराई से समझाने का एक मज़ेदार मौका उनके हाथ लग गया। इस टूलकिट के मुख्य उद्देश्य हैं पढ़ी गई अवधारणा को समय समय पर दोहराना, अवधारणाओं के बारे में स्वतंत्र रूप से समझ बनाना, साथ ही उपसमूह में काम करने के कौशल का विकास। इस गतिविधि को आप छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों के साथ भूगोल, विज्ञान, भाषा और गणित के विषय में करवा सकते हैं। टैबू खेलने के लिए आपको चाहिए अलग अलग रंग के कुछ छोटे कटे कार्ड्स, स्केचपेन या पेंसिल। तो दोस्तों, देखते हैं छोटे छोटे उपसमूह में ये खेल कैसे खेला जाता है। सबसे पहले किसी भी विषय में से पढ़ाई गई अवधारणा को चुन लें। उदाहरण के लिए मिस्टर मैडम ने पर्यावरण अध्ययन में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की अवधारणा को चुना और टैबू कार्ड के ऊपर उसे लिख दिया और उसके नीचे फोटोसिंथेसिस की अवधारणा से संबंधित तीन शब्द और लिखे। यहाँ मुख्य शब्द है फोटोसिंथेसिस और नीचे लिखे गए तीन शब्द जैसे कि ऊर्जा, खाना और वृक्ष टैबू शब्द हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण समझाते समय टैबू शब्द ऊर्जा, खाना और वृक्ष का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उपसमूह में चार बच्चे हैं, तो एक बच्चा सामने आकर बिना टैबू शब्द का इस्तेमाल किए फोटोसिंथेसिस को बाकी तीन बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा। ज़्यादातर पौधों के पत्ते दिन में इस प्रक्रिया से जो बनाते हैं उससे पौधों को ताकत मिलती है। सूर्य के प्रकाश के बिना ये मुश्किल है। राजमा का बीज पौधे में इसी प्रक्रिया से बदलता है। अगर गलती से भी टैबू शब्द का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण समझाने वक्त किया तो वो उपसमूह हार जाएगा और अगले उपसमूह की किसी अन्य कार्ड पर लिखे शब्द या अवधारणा को समझाने की बारी आ जाएगी। अगर बच्चों ने मुख्य शब्द पहचान लिया तो उन्हें नंबर भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी गतिविधियों में बच्चों को समय पर सही जवाब सोचने की चुनौती और हार और जीत सक्रिय रखती है। मिस्टर मैडम तो बच्चों को 3 मिनट का समय देती है। ऐसे ही उनके छठी कक्षा के बच्चों ने गणित में भी टैबू खेल खेला। उन्होंने खुद से टैबू कार्ड बनाए। उदाहरण के लिए देखिए, मुख्य शब्द है स्थानीय मान और टैबू शब्द हैं मान, अंक, ज्यादा, कम। और फिर बच्चों ने कुछ इस तरह से स्थानीय मान समझाने की कोशिश की। 55,209, इस संख्या में 2 का क्या मतलब है? संख्याएं एक दूसरे से बड़ी हैं या छोटी, इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है। 200 में कितने 100 हैं, कैसे पता लगाया? इसी तरह आप किसी भी विषय में कराई गई अवधारणाओं पर भी बच्चों से टैबू कार्ड बनाकर खेलने को कह सकते हैं। प्रत्येक समूह 3 से 4 कार्ड बनाकर दूसरे उपसमूह को दे सकते हैं और आप समय और पॉइंट का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी कक्षा में टैबू खेल जरूर खिलाएं और अपने अनुभव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।